सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप प्लीज चैनल का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें, और अगर पुराने भाई लोग बहन लोग हो तो बने रहो वीडियो के एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबका हॉट टॉपिक पबजी बैन के ऊपर। तो दोस्तों, कुछ ही समय पहले की बात है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप्स को घर से बेघर कर दिया था। शुद्ध भाषा में बोलूं तो उनको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से बैन कर दिया था। कह दिया था भाई सीधा निकल जाओ यहां से, तुम्हारी इधर कोई जगह नहीं है हमको। और भाई जब ये न्यूज है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 59 ऐप्स को बैन किया है, तो भाई मेरे घर के पास ऐसा माहौल बना था कि जैसे किसी दूल्हे की बारात आ रही हो और उसमें दूल्हे को ये कॉन्फिडेंस और उसके मन में ऐसी उम्मीद जगाई जा रही हो कि भाई चिंता मत कर, शादी के बाद भी तू ही राजा रहेगा। पर वो तो दूल्हा जब शादी के अगले दिन दूध की डेयरी से दूध लेके आ रहा होता है, तब पता लगता है ओ ऐसे बजा जा रहा है राजा का बाजा। तो भाई लोग अभी सीधी सीधी नजर इंडियन गवर्नमेंट की 275 ऐप्स के आसपास है, शायद से हाँ उतने ही है, इन पे नजर है। और इनमें से 47 ऐप्स मतलब 47 ऐप्स का तो खिल्ली भी उड़ गई, इनका साफ सफाई हो भी गया प्ले स्टोर से पहले ही। तो यार अगर बेसिकली देखा जाए तो ये ऐसी ऐप्स ही जैसे टिकटॉक प्रो हो गया आपका, कैम स्कैनर प्रो, मतलब इन ऐप्स के दिमाग में पता नहीं दोस्तों क्या सोचा इनको, मतलब क्या खिचड़ी पकी इनके दिमाग में, इनको लगा कि अगर हम सेम नाम से बस प्रो या लाइट लगा के प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में रजिस्टर हो जाएंगे तो भाई किसी में दम नहीं है हमको यहाँ से हिलाने का, बाहुबली का पैर है हमारा, हिला के दिखा दो तुम। तो भाई लोग हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बोला प्यार से, नहीं प्यार से तो नहीं बोला बैन किया, हाँ तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि भाई जो तुम ये दिमाग लगा रहे हो ना उल्टी खोपड़ी का ये इधर मत लगा, और जो तुम ये अकल दिखा रहे हो ना ये हम बचपन में अपने पड़ोसी को बेच के आ चुके हैं तभी हम यहाँ बैठे हैं आज। मगर भाई लोग इसमें खतरे की घंटी बज गई है, कोई आयशा चाहता हूँ मैं। हाँ तो भाई लोग मैं बोल रहा था कि इसमें सबसे ज़्यादा खतरे की घंटी बज चुकी है पबजी मोबाइल ऐप के लिए दोस्तों। और फिलहाल अगर देखा जाए तो ऐसा लगता तो नहीं है कि पबजी बैन हो ही जाएगा इमिडिएटली, बट दोस्तों कुछ कह नहीं सकते आजकल, तो एक दिन बाद नोटबंदी हो सकती है तो भाई कुछ भी हो सकता है समझ लो, खतरा मतलब ऑलमोस्ट सही। अब यार दोस्तों पहले ये समझ लो कि ऐप्स बैन होती क्यों है। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि सरकार के मंत्री लोग खाली बैठे हैं, उनके पास कुछ काम वगैरह है नहीं, टाइम पास करने के चक्कर में उन्होंने ऐप्स को बैन कर दिया, ठीक है ना, ऐसा तो है नहीं। तो दोस्तों ये बेसिकली ऐप्स बैन होती है प्राइवेसी पॉलिसी को वॉयलेट करने के अगेंस्ट। अब देखो कुछ लोगों को आदत होती है ना कि अपनी सुंदर सुंदर फोटो खींच के किसी और को फॉरवर्ड करने के, वो भेज किसी और को रहे होते हैं और वो पहुंच कहीं और सर्वे में जाती है, किसी और के सर्वे में वो पहले ही पहुंच जाती है, तो आपका खेल तो वहीं पर। हाँ तो दोस्तों जो भी हमारी गवर्नमेंट डिसीजन लेगी हमको उसके साथ होना चाहिए, भले ही वो पबजी मोबाइल हो या और कोई भी ऐप्स, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये प्राइवेसी पॉलिसी को वॉयलेट कर रहा है तो यस हमको एज इंडियन सिटीजन उसको सपोर्ट करना चाहिए हमारे गवर्नमेंट के डिसीजन को। तो दोस्तों आप सभी लोगों को क्या लगता है कि क्या पबजी मोबाइल को बैन कर देना चाहिए या उसको एक दो चांस थोड़े और देने चाहिए अपनी पॉलिसी को इम्प्रूव करने के लिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और यूजर्स को जो पबजी खेलते हैं जो बहुत ही सीरियस है पबजी गेम को लेकर उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और उनको भी पता लग सके कि एक्चुअली मार्केट में चल क्या रहा है।